आज हम लोग आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी सुनने में जितना कठिन लगता है, यदि समझ लिया जाए वो उतना ही आसान है। इसलिए हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को बेसिक लेवल पे समझेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रत्येक 2 महीने पे आरबीआई, हमारी जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, वो 2 महीने पे, प्रत्येक 2 महीने पे एक पॉलिसी लॉन्च करती है। उसी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और ये लॉन्च क्यों किया जाता है, बेसिक हमें ये समझना है, महंगाई को, यानी जिसे हम लोग इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रा स्फीति कहते हैं, उसे नियंत्रित करने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश में न बहुत अधिक महंगाई हो जाए या फिर मंदी की स्थिति ना आ जाए। इसलिए इसके पास कुछ टूल्स हैं, यानी कुछ ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आरबीआई भारत की महंगाई को नियंत्रित करती है। तो अब ये जो महंगाई नियंत्रित होती है, उसका तरीका क्या क्या होता है या फिर क्या हो सकता है। हम लोग अक्सर पेपर में, यदि आप पढ़े होंगे, यदि आप इकोनॉमिक्स का पेपर लेते हैं, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर है, हिंदी माध्यम में आता है, या इंग्लिश माध्यम में इकोनॉमिक्स टाइम्स आता है, तो अक्सर प्रत्येक दिन उस पेपर में मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा होती है, जिसमें रेपो रेट, या हम लोग उसको रिपो रेट भी कहते हैं, उसके विषय में दिया रहता है, रिवर्स रेपो रेट दिया रहता है, बेस रेट दिया रहता है, बैंक रेट दिया रहता है, CRR दिया रहता है। तो ऐसे चीजों से कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से हम लोग सुनते रहते हैं, और कभी ना कभी कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर इन शब्दों से परेशान होता है। लेकिन यदि इसे समझा जाए तो परेशानी वाली कोई बात है नहीं। हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि यदि हमारा एक परिवार है तो उसका एक बजट होता है। यदि वो बजट सही तरीके से काम करता है तो परिवार बेहतर तरीके से आर्थिक रूप से आगे बढ़ता है। अगर बजट में परेशानी होती है तो लोग दिवालिया भी हो जाते हैं। तो अगर बहुत अधिक कोई खर्च कर रहा है परिवार में, तो उसको माता पिता नियंत्रित करते हैं, तो नियंत्रण करने का कोई तरीका होता होगा। उसी तरह भारत में जब महंगाई बढ़ती है तो उस महंगाई को नियंत्रित करने का जो पावर है वो आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी के तहत दी गई है। हालांकि हमारा जो भारत सरकार है, उसकी जो वित्त मंत्री होती हैं या होते हैं, उनके पास सुप्रीम पावर होता है महंगाई को नियंत्रित करने का, लेकिन एक पावर आरबीआई को भी दिया गया है महंगाई को कंट्रोल करने का। उसी महंगाई को कंट्रोल करने का जो तरीका है, जो पॉलिसी है, उसी पॉलिसी को मौद्रिक नीति, इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी, या नीतिगत दर कहते हैं। वो कुछ ऐसा रेट फिक्स करता है जिसके माध्यम से उसका प्रयास होता है कि महंगाई बहुत कम है तो थोड़ी सी बढ़ जाए, या बहुत ज्यादा है तो कम किया जाए। तो इसमें हम लोगों को समझने से पहले 3 चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है इंडिया, पहले हम लोग ध्यान रखेंगे इंडिया पे, और इंडिया को समझेंगे कि इंडिया क्या है। इकोनॉमी में इंडिया एक मार्केट है, प्रत्येक देश एक मार्केट है, प्रत्येक परिवार को भी आप मार्केट मान सकते हैं। तो एक देश है, एक मार्केट है। मार्केट में आवश्यकता किस चीज की होगी, मार्केट में आवश्यकता पैसे की होगी। एक व्यक्ति होगा जो पैसा देगा, एक व्यक्ति होगा जो पैसा लेगा। मार्केट है, उसमें
तीन लोग मुख्य हैं, एक है आरबीआई, ये भी एक बैंक है लेकिन ये कस्टमर बैंक नहीं है, आप वहां जाके अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा जितने भी भारत में बैंक है या वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो जैसे स्टेट बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो जैसे कि HDFC, यस बैंक या फिर फॉरेन के भी बैंक, HDFC भी एक फॉरेन का बैंक है, तो RBI के अलावा जितने भी हैं वो सभी बैंक इस मार्केट के पार्ट हैं। और लास्टली ये सब हो क्यों रहा है, कस्टमर के लिए हो रहा है, यानी कि आम जनता के लिए हो रहा है, यानी हम लोगों के लिए हो रहा है। तो तीन लोगों के बीच ये पॉलिसी घूमती है, ये समझ लेना है। लास्टली जो टारगेट किया जाता है वो कस्टमर को ही टारगेट किया जाता है, यानी कि आम आदमी को टारगेट किया जाता है ताकि उन्हें सहूलियत हो, ऐसा मंशा भारत सरकार की या किसी भी सरकार की होती है। ऐसा नहीं होता कि सरकार हमारा दुश्मन होता है। तो इन तीनों के बीच हम लोग समझेंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, RBI को ध्यान में रखेंगे। जब भी बात अभी हम लोग क्लास में अभी करेंगे बैंक की, तो एक बैंक को उदाहरण के रूप में ले लेंगे जिसे भारत का सबसे बेहतर बैंक माना जाता है SBI, तो हम लोग बार बार SBI शब्द का प्रयोग करेंगे। और जब भी SBI शब्द का प्रयोग होगा तो माना जाएगा कि सभी बैंक उसके अंतर्गत आ रहे हैं, मान लिया जाएगा, जैसे हम लोग मैथ में मानते हैं। और तीसरा, हम लोग अपने आप पे सोचेंगे, यानी कि हम लोग समझेंगे कि हम लोग एक कस्टमर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आप पेपर में अगर पढ़िएगा कि रेपो रेट, तो या इसे रिपो रेट भी कहते, ये है क्या और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले रेपो रेट में, यानी ये जितने भी रेट हैं या जितने भी टूल्स हैं, ये सभी क्या है, एक ब्याज दर है। ये पहले ये समझ लेना है कि ये एक कुछ नहीं है, एक ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एक निर्धारित ब्याज दर पे हमें उस जमा के बदले पैसा मिलता है, या हम लोग लोन लेते हैं तो एक ब्याज दर निर्धारित की जाती है और उस निर्धारित की हुई ब्याज दर पे, इंटरेस्ट रेट पे, हमें लोन जो लिए हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट लिए हैं, उसके साथ इंटरेस्ट को एड ऑन करके देना होता है। तो ये सब कुछ नहीं है, एक ब्याज दर है, इंटरेस्ट है। तो रेपो रेट एक ब्याज दर है, ये हम लोग समझ गए। और किस प्रकार की ब्याज दर है, ये ब्याज दर लगाएगा कौन, ये ब्याज दर RBI लगाएगी। किस पे लगाएगी, कस्टमर पे नहीं लगाएगी, ये लगाएगी बैंक पे, भारत के जितने भी बैंक है सभी बैंक पे, यानी SBI पे आप, या फिर समझ लीजिए कि बैंक पे ये रेपो रेट लगेगा। क्यों बैंक पे रेपो रेट लगेगा, यानी कि बैंक से ब्याज क्यों लिया जाएगा, इसलिए लिया जाएगा, ब्याज तभी लिया जाता है जब आप किसी से उधार लेते हैं, किसी से लोन लेते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, तो पैसा देने के कारण आपको ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जब भारत की कोई भी बैंक या भारत का कोई भी बैंक जब RBI से लोन लेता है, तो लोन लेने के कारण RBI उससे ब्याज लेती है और वही ब्याज रेपो रेट के आधार पर लिया जाता है। तो एक रेट तय किया जाता है कि इस रेट के आधार पर आपको ब्याज लगेगा, वही रेट रेपो रेट कहलाता है। तो यहां पे हम लोग ये समझ गए कि रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिस पर RBI बैंकों को ऋण प्रदान करती है, यानी बैंकों को लोन प्रदान करती है, ये एकदम क्लियर कट है। जैसे कि हम लोग कस्टमर हैं और बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक को भी आवश्यकता पड़ती है लोन लेने की, और जब बैंक को आवश्यकता पड़ती है लोन लेने की तो वो लोन लेती है RBI से भी लोन लेती है।
तो जब आरबीआई से लोन लेती है तो एक रेट पर उसे ब्याज देना होता है, वही ब्याज ब्याज दर रेपो रेट कहलाता है। यहां पे हम लोग समझ गए, यानी वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, ये क्लियर हो गया। और हम लोग के एग्जाम में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जैसे कि अभी रेपो रेट जो है वो 5.9 है, तो लेटेस्ट डेटा है रेपो रेट का वो 5.9 है और ये लगातार बदलता रहता है, ये हमें ध्यान देना है, ये लगातार बदलता रहता है, 2 महीने पे बदलता रहता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि रेपो रेट न भी बदले, ऐसा जरूरी नहीं है कि रेपो रेट बदलेगा ही। और एग्जाम में रेपो रेट वर्तमान में कितना है ये पूछ सकता है, जैसे कि पिछले बार बीपीएससी के एग्जाम में 67 में रेपो रेट पूछा है। तो अब यहां पे तो एक सिंपल समझ गए कि आप लोन, अगर बैंक लोन लेगी तो उस पे एक ब्याज दर निर्धारित होगा, वही ब्याज दर आरबीआई को देना है और उस ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। लेटेस्ट रेपो रेट जो है वो 5.9% है, यानी कि 100 रुपया, देखिए कभी भी किसी चीज को समझना है तो 100 रुपया पे समझना चाहिए। तो यदि कोई बैंक रेपो रेट से 100 रुपया लोन लेगी तो उसे 5.9% का रेपो रेट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे इतना पे ही बात नहीं बनता है, अब इससे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि रेपो रेट बढ़ता है तो इस पे, इससे कस्टमर पे क्या प्रभाव पड़ेगा या इससे बैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर बैंक को अधिक ब्याज चुकाना होगा तो जब बैंक से हम लोग लोन लेंगे तो हम लोग को भी अधिक ब्याज चुकाना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेपो रेट यदि बढ़ता जाएगा और जब जब हम लोग लोन लेने, यानी कस्टमर लोन लेने जाएंगे तो उनको भी अधिक ब्याज चुकाना होगा, यानी कि अधिक रेपो रेट होगा तो लास्टली कस्टमर को भी नुकसान होगा। अगर 100 रुपया एक बैंक आरबीआई से ली और 5.9% का रेपो रेट उसे चुकाना पड़ रहा है, मान लिया जाए कि उसी समय एक कस्टमर 100 रुपया बैंक से लोन लेता है तो यदि उसे 10% का इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है और यही 5.9 अगर 6.9 हो जाएगा, 1% रेपो रेट बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि अगली बार जब आप 100 रुपया लोन लेने जाइएगा तो निश्चित है कि यह 10% 12% 13% 14% होगा। इसका एक मतलब सीधा है, यहाँ पे 8 गलत लिखा हुआ, यदि रेपो रेट बढ़ता है, ये जो ऊपर का निशान है बढ़ने का है, यदि रेपो रेट बढ़ता है तो ग्राहकों को मिलने वाला ऋण का जो ब्याज दर है वो बढ़ने लगेगा, ये निशान बढ़ने का होता है, ये निशान घटने का होता है। तो अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक को भी लोन जब बैंक लेगी तो ब्याज दर उसे ज्यादा देना होगा, और जब ब्याज दर बैंक ज्यादा देगी और जब बैंक जब कस्टमर को लोन देगी तो वो भी अधिक ब्याज लेना चाहेगी। इसका साफ मतलब है कि जैसे जैसे हमारे भारत में रेपो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे जब जब एक आम आदमी बैंक में जाके किसी भी प्रकार का लोन लेगा, वो कार लोन हो या वो होम लोन हो, तो उसे ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा इंटरेस्ट अगर वो चुकाएगा तो उसका जो पारिवारिक बजट है वो कमजोर हो जाएगा, उससे उसे परेशानी हो सकती है, यानी कि अधिक रेपो रेट का बढ़ना कस्टमर के लिए खतरे का भी सूचक है। एक बात, ग्राहकों का लोन महंगा हो जाएगा, ठीक। दूसरा, रेपो रेट आप हम लोग इधर देख रहे हैं कि 6-7 महीने में लगातार रेपो रेट बढ़ रहा है, जैसे रेपो रेट अभी 5.9 है, आज जैसे कि डेट है
12 नवंबर 2022 तो रेपो रेट 5.9 है, एक साल पहले वो 4.9 था, और लगातार ये रेपो रेट साल भर में बढ़ते बढ़ते 1% बढ़ गया। तो ये रेगुलर रेपो रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, उसके पीछे कारण है महंगाई। आप देखिए कि महंगाई लगातार अपने शीर्ष पे पहुंचती जा रही है, महंगाई ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कस्टमर के हाथ में पैसा ज्यादा है, वो लगातार हो सकता है कि लोन ले रहा है, लोन लेने से घर बना रहा है, लोन लोन लेके कार ले रहा है, बाइक ले रहा है, बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, और बैंक भी बहुत अधिक मात्रा में मार्केट में पैसा दे रही है, छोड़ रही है। तो अगर एक आम आदमी के पास हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्च करेगा, और जब ज्यादा खर्च करेगा तो सीधा सा बात है महंगाई बढ़ जाएगा। क्यों महंगाई बढ़ेगा? इसलिए महंगाई बढ़ेगा कि मान लिया जाए कि हमको एक फोर व्हीलर लेना है, उसका रेट 10 लाख है, तो हम जाएंगे फोर व्हीलर लेने, वो 10 लाख में देगा। उसी फोर व्हीलर को लेने के लिए यदि 20 लोग गए तो हो सकता है कि जब देखे कि डिमांड ज्यादा है तो उस फोर व्हीलर का रेट कंपनी बढ़ा देगी, तो 10 लाख की जगह पे कंपनी को 12 लाख देना पड़ा, यानी कि ये 2 लाख जो है महंगाई को बढ़ा दिया। तो यहां पे एक चीज निकल के सामने आती है कि जहां रेपो रेट के बढ़ने से लोन महंगा हो जाता है, वही रेपो रेट एक माध्यम है महंगाई को कम करने का। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार रेपो रेट बढ़ रहा है, आरबीआई के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है। और ये अगला जो मॉनिटरी पॉलिसी आएगा उसमें भी बहुत संभावना है रेपो रेट को और बढ़ाया जाए। इसका मकसद ये है यदि रेपो रेट बढ़ता जाएगा तो लोगों को लगेगा कि अगर हम लोन लेते हैं अभी के समय में तो हमें महंगा लोन मिलेगा, और वो लोन लेने से बचेंगे, और जब वो लोन लेने से एक कस्टमर बचेगा तो उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो महंगाई थोड़ी सी नियंत्रित होगी। मान लीजिए कि हम समझे कि भाई 6 महीने के बाद हम फोर व्हीलर लेते हैं, वेट करते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी, एक ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी आए जिसमें कि रेपो रेट कम हो जाए, तो हम वेट करेंगे, तो मेरे घर से जो 10 लाख रुपया निकलना है एक कार के लिए वो नहीं निकलेगा। कार अगर नहीं निकलेगा तो हम पेट्रोल नहीं लेंगे, पेट्रोल यदि हम नहीं लेंगे तो हम आगे सर्विसिंग नहीं कराएंगे, तो ये एक जो पैसा खर्च करने का जो चेन है वो टूट जाएगा, यानी पैसा जो है, रुपया जो है वो मार्केट में आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो महंगाई धीरे धीरे नियंत्रित होगी। महंगाई बढ़ती तब है जब इंसान के हाथ में पैसा होता है, और पैसा जब बहुत कम रहेगा वो खर्च भी उसी हिसाब से करेगा, ज्यादा खर्च करेगा नहीं तो महंगाई धीरे धीरे नियंत्रित होगी। तो दो बात यहाँ पे हम लोग समझे कि रेपो रेट का बढ़ना सूचक है कि आप जब बैंक जाइएगा तो आपको महंगा लोन लेना होगा, एक यानी कस्टमर पे भार बढ़ जाएगा। दूसरा, रेपो रेट का एक लाभ ये भी है कि रेपो रेट यदि धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो महंगाई धीरे धीरे नियंत्रित होती है, कम होती जाती है, और आप देखिएगा कि अभी जो रेपो रेट आएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, तो रेपो रेट को फिर बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि लोन लेने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो, खर्च करने की जो प्रवृत्ति है कम हो। तो ये हम लोग समझ गए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट लाया गया। तीसरा, हमें यह भी समझना है कि रेपो रेट जो है वो एक अल्पकालीन लोन देने का तरीका है। जब बैंक के पास पैसा कम होता है तो कुछ समय के लिए ही वो आरबीआई से लोन लेती है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है रेपो रेट के तहत। अब दूसरा हम लोग समझेंगे, रेपो रेट तो हो गया, अब दूसरा हम लोग समझेंगे रिवर्स रेपो रेट। दूसरा देखेंगे कि ये रिवर्स रेपो रेट है क्या। ये हो गया रिवर्स रेपो रेट।
तो रेपो रेट का जस्ट उल्टा हुआ रिवर्स रेपो रेट, ये समझ लेना है कि रेपो रेट का जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है। अब यहां पे रेपो रेट का जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो रेट समझना है कि रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होगा, ये भी एक ब्याज दर है जिस पर बैंकों से लिए गए जमाओं पर केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई ब्याज देता है। जहां पे रेपो रेट पे जो लोन लिया गया है तो बैंक जो है वो ब्याज दे रही है, और रिवर्स रेपो रेट में होता है जैसे कि हम लोग लोन भी अगर बैंक से लेते हैं तो हम लोग कभी कभी ये भी करते हैं, बैंक जाने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि अगर यदि मेरे पास पैसा है तो उसे बैंक में जमा कर दे, फिक्स डिपॉजिट कर दे या आरडी कर दे, रेकरिंग डिपॉजिट कर दे, और पैसा को वहां जमा करे और उससे बैंक से हम लोग इंटरेस्ट ले यानी कि ब्याज ले। 10 लाख रुपया यदि आप बैंक में रखते हैं तो आपको प्रति महीना 4,000, 5,000 या 6,000 रुपया प्रति महीना आपको एक फिक्स कमाई हो सकती है। तो जब आप पैसा जमा करिएगा बैंक में तो आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा बैंक के द्वारा। उसी तरह जब बैंक आरबीआई में पैसा जमा करती है तो उस जमा के आधार पे यानी उस डिपॉजिट के कारण उसे इंटरेस्ट आरबीआई देती है, उसे ब्याज आरबीआई देती है। यानी कि बैंक के पास मान लिया जाए बहुत ज्यादा पैसा है तो चाहेगी कुछ समय के लिए भी, एक अल्पकालीन तरीका है पैसा कमाने का, चाहे कि ये बैंक में आरबीआई में कुछ समय के लिए रख दे तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट उसे देगी। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि वह ब्याज दर जिस पर बैंकों से लिए गए जमाओं पर, ये 7 गलत लिखा हुआ है, जमाओं पर, यहां पे ये समझना है कि वह ब्याज दर जिस पर बैंकों से लिए गए जमाओं पर बैंक ब्याज देती है, केंद्रीय बैंक, यहां पे केंद्रीय बैंक होगा, यहां पे केंद्रीय बैंक अल्पकालीन ब्याज देती है बैंक को, वही रिवर्स रेपो रेट है। ठीक है, अब यहां पे ये समझना है कि जैसे कि रिवर्स रेपो रेट अगर आप देखिएगा अप्रैल मई में वो लगभग रिवर्स रेपो रेट अभी स्थिर है 5-6 महीना के, तो अभी रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% है, यानी कि बैंक 100 रुपए आरबीआई में अल्प समय के लिए जमा करेगी तो 3.35% से उसे ब्याज दिया जाएगा। यहां पे ये समझना है, हम लोग पहले भी बात किए हैं कि यदि बैंक जिस तरह का रेट लेती है या देती है उसी आधार पे कस्टमर को भी इंटरेस्ट देगी या फिर उससे इंटरेस्ट लेती है। तो यहां पे ये देखें कि यदि रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट को आरबीआई बढ़ाती है तो ग्राहक यानी कस्टमर जब बैंक जाएंगे पैसा जमा करने के लिए तो उनको भी ब्याज अधिक दिया जाएगा, उनको भी ब्याज अधिक दिया जाएगा, और रेपो रेट अगर कम होगा तो ग्राहक को नुकसान होगा। यानी कि जब रिवर्स रेपो रेट, जब रेपो रेट हम लोग वहां देखे थे कि जब रेपो रेट बढ़ता था तो कस्टमर को नुकसान होता था, यहां पे रिवर्स रेपो रेट से ट्रिपल आर लिखना चाहिए, डबल आर लिखा हुआ है, जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कस्टमर को लाभ होगा, ये समझ लिए, और रिवर्स रेपो रेट जब कम होगा तो ग्राहकों को नुकसान होगा, ये एक चीज हम लोग समझ गए। दूसरा, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता जाएगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा है तो ब्याज ग्राहकों को ज्यादा मिलेगा, और ब्याज जब ग्राहकों को ज्यादा मिलेगा तो वो खर्च ज्यादा करेगा, और खर्च ज्यादा करने से महंगाई बढ़ती है। यानी कि यदि इन्फ्लेशन लगातार बढ़ा हुआ है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया नहीं जाता है, ये समझ लेना, यदि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो रिवर्स रेपो रेट को नहीं बढ़ाया जाता है, और महंगाई यदि बहुत कम है तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ताकि ब्याज कस्टमर को मिले। तो ये दो चीज हम लोग समझ गए,
अब हम लोग तीसरा देखेंगे, एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसका पूरा नाम है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी अस्थाई जमा सुविधा। जहां रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अल्पकालीन है, वहीं पे एसडीएफ जो है वो दीर्घकालीन है। लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के आरबीआई और बैंक एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। जहां रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में भी पैसा जमा किया गया है और एसडीएफ में भी पैसा जमा किया गया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि रिवर्स रेपो रेट अल्पकालीन है और एसडीएफ जो है वो दीर्घकालीन है। यहाँ पे एक वर्ड है तरलता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी। तो इकोनॉमी में तरलता का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी में तरलता का मतलब ये समझना है कि जितना आसानी से कोई चीज यदि आप खरीद सकते हैं या उसका एक्सचेंज वैल्यू लगा सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास 100 रुपए का नोट है और आपको 100 रुपए के बराबर पेट्रोल खरीदना है, तो सबसे आसान तरीका है पेट्रोल लीजिए और 100 रुपया दे दीजिए। यानी कि ये जो भारत सरकार की जो आरबीआई है वो जो हमें 100 रुपये अदा करती है, उसकी जो लिक्विडिटी है सबसे बेहतर है, सबसे आसान है। अगर 100 रुपये का चीज लिए, अगर आप 100 रुपये देते हैं तो सबसे आसान तरीके से कोई चीज को आप खरीद सकते हैं। यानी सबसे बेहतर लिक्विडिटी भारतीय रुपया की है, ठीक है। दूसरा, यदि आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है तब भी आप पेट्रोल ले सकते हैं और आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से चुकता कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पेट्रोल पंप पे ये हो सकता है कि वो सुविधा उपलब्ध नहीं हो। तो इसका मतलब है कि जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की जो लिक्विडिटी है वो भारत आरबीआई का जो नोट है उससे कम है। तीसरा, सोना। अगर आपके पास 100 रुपया का सोना है तो आप दुकान में जाइएगा और आपको 100 रुपये के बराबर पैसा मिल जाएगा, लेकिन क्या आपके पास सोना है और आपको पिक्चर देखने जाना है या पेट्रोल लेना है? तो आप सोना दीजिएगा तो पेट्रोल या पिक्चर का टिकट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि सोना में भी लिक्विडिटी है लेकिन रुपया में सबसे बेहतर लिक्विडिटी है। घर में भी लिक्विडिटी होती है, आप घर को बेच कर पैसा ले लीजिए, लेकिन उतना तेजी से आप घर को नहीं बेच सकते हैं। तो लिक्विडिटी को यही समझना है कि सबसे बेहतर लिक्विडिटी, सबसे बेहतर तरलता रुपये में होती है, यानी कि सबसे आसानी से जो एक्सचेंज हो जाए, जो कैश हो जाए, ठीक है। तो एसडीएफ क्या है? ये भी एक रेट है, एक तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसे हम लोग हिंदी में अस्थाई जमा सुविधा कहते हैं। बैंकों के तरलता को कम करने के लिए लाया गया है। जब बैंकों के पास धन अधिक हो जाता है तो वो आरबीआई को जमा कर सकती है अस्थाई रूप से। जैसे कि यदि अभी एसडीएफ देखिएगा तो ये एसडीएफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां तक मुझे याद है मई जून में एसडीएफ 5.65% एसडीएफ था और ये एक साल में लगातार एसडीएफ बढ़ता जा रहा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। कारण उसके पीछे ये है कि ये लाया गया था लॉकडाउन के बाद, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया है और बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो लोन बहुत बड़े मात्रा में देने लगेगी। लोन जब बहुत बड़े मात्रा में देगी तो महंगाई बढ़ जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो और ये अस्थाई जमा सुविधा यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज किया जाता है। और एसडीएफ जो है वो 5.65% थोड़ा सा पहले है, 5.65% कुछ माह पहले था और इधर भी ये एसडीएफ बढ़ा है। तो यहां पे ये समझना है कि 5.65% यानी कि एसडीएफ जितना बढ़ता जाएगा, एसडीएफ जितना बढ़ेगा, ब्याज लेने के लिए बैंक उतना ही अधिक जमा गवर्नमेंट उतना ही अधिक जमा आरबीआई में करेगी।
यानी कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एसडीएफ को लगातार बढ़ाया जाता है। टेक्निकल खराबी की वजह से वीडियो रुक गया था। हम लोग एसडीएफ के विषय में बात कर रहे थे। एसडीएफ हम लोग बात किए हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसे हिंदी में अस्थाई जमा सुविधा कहते हैं। इसमें हम लोगों ने बात किया है कि बैंकों के तरलता को कम करने के लिए ये लाया गया है। यानी कि जो हम लोग को याद होगा 2016 के 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, उसके बाद लॉकडाउन हुआ, इस दौरान भारत सरकार ने देखा कि बैंकों के पास पैसा बहुत हो गया है। यदि बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो बहुत बड़े मात्रा में लोन प्रोवाइड करेगी, और जब कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा लोन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा वो खर्च करने लगेगा, और बहुत ज़्यादा खर्च होगा तो महंगाई होगी। ये एक रूल है, महंगाई बढ़ने या इसके अगेंस्ट जाने पे घटने का। तो इसमें किया क्या गया है कि एसडीएफ लाया गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और इसके माध्यम से कोशिश आरबीआई की है कि जो ज़्यादा पैसा बैंक के पास है उन्हें एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए ताकि उसके लोभ में, उसके लालच में बैंक अधिक से अधिक मात्रा में आरबीआई में पैसे जमा कर दे, ताकि बैंक के पास बहुत बड़े अमाउंट में पैसा न हो और वो बहुत बड़े अमाउंट में लोन न दे सके कस्टमर को। इसलिए बैंकों के पास धन अधिक जब हो जाता है तो वो आरबीआई को जमा कर सकते हैं अस्थाई रूप से, यानी कि दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट फैसिलिटी है ये एक्चुअली में। जैसे कि हम लोग आरडी करते हैं 3 महीना का, 6 महीना का, या 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने का, और एक फिक्स डिपॉजिट 10-10 साल का होता है, तो एक प्रकार का लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट है और इसमें अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को मिलता है। कुछ समय पहले अप्रैल मई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अगर सितंबर का अगर आप देखिएगा तो जहां तक मुझे याद आ रहा वो 5.65% था, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे अगर आप मार्च अप्रैल का देखिएगा तो 3.75% था, यानी आप देख रहे हैं कि एक ही साल के अंदर 6 महीने में लगभग 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने बढ़ाया है। क्यों? ताकि अधिक से अधिक पैसा बैंक आरबीआई के पास जमा करे, और बैंक के पास जब पैसा कम होगा तो वो लोन कम देगी, और लोन कम देगी तो खर्च कम होगा और महंगाई धीरे धीरे घटेगा। तो इसका लगातार, एसडीएफ का लगातार बढ़ना ये बता रहा है कि भारत में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा कैश है। भारत अब गरीब देश रहा नहीं, इतना कैश है कि बहुत बड़े तेजी से एसडीएफ बढ़ रहा है। तो एसडीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ना सूचक है महंगाई बढ़ रही है, और जितना ज्यादा एसडीएफ बढ़ेगा धीरे धीरे महंगाई कम होगी। जो हम लोगों ने देखा था जो ट्रिपल आर है, रिवर्स रेपो रेट, वो अल्पावधि सुविधा है, तो दीर्घकालीन सुविधा लॉन्ग टर्म है। तो इसका क्या प्रभाव होगा एसडीएफ का? एक प्रभाव ये है कि यदि एसडीएफ बढ़ेगा तो हम लोग जो लॉन्ग टर्म सेविंग करेंगे या लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट बैंक में करेंगे तो हम लोग को अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ये बिल्कुल समझना है कि जिस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बैंक को देगी उसी तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक कस्टमर्स को देगा। ज़्यादा देगी तो बैंक भी ज़्यादा देगा, आरबीआई कम देगी तो बैंक भी हम लोगों को कम देगा, ठीक है? तो एसडीएफ का बढ़ना सूचक है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और दूसरा एसडीएफ का बढ़ना कस्टमर के लिए फायदेमंद है। समझ गए हम लोग? चौथा अब हम लोगों को देखना है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। तो इसमें हम लोग को देखना है कि आरबीआई से आपात स्थिति, देखिए यहाँ गलत लिखा हुआ, आपात स्थिति में ली जाने वाली एक उधारी है। ये क्या है? एक प्रकार का उधार है जो बैंक आरबीआई से
लेती है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था रेपो रेट, रेपो रेट में हम लोगों ने क्या देखा था कि अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए बैंक, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक लोन लेती थी और ये इमरजेंसी पीरियड में ओवरनाइट लिया जाता, यानी कि एक रात के लिए ही लिया जाता है। ओवरनाइट यानी कि एक 24 घंटे के अंदर लोन लिया जाता है और फिर लोन को चुका दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कंडीशन कि बैंक जो है उसका कैश बहुत कम हो जाता है, उस कंडीशन में बैंक आरबीआई से लोन लेती है। लेकिन कैसा लोन होता है, ये आपातकालीन होता है, इमरजेंसी फंड लेती ओवरनाइट के लिए, एक रात के लिए ही इस तरह का लोन एमएसएफ लिया जाता है। परिस्थिति होगा जब बैंक की तरलता यानी लिक्विडिटी पूरी तरह सूख जाती है। सूखना एक शब्द है अर्थव्यवस्था का। देखिए यहाँ पे लिखा होगा शेड्यूल्ड बैंक का जितना स्वयं के पास, अब एमएसएफ जो कोई मान लिया जाए कि एसबीआई है, वो एमएसएफ जो उनका तय होगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होगा वो किस तरह से तय होगा, तो मान लिया जाए कि एसबीआई के पास डिपॉजिट है 100 रुपया, 100 रुपये डिपॉजिट है और उन्होंने अपने कस्टमर्स को 100 रुपया उधार दिया हुआ है, तो ये कुल हो जाएगा 200 रुपया। तो 200 रुपया उनका डेबिट हो गया, 200 रुपया उनका क्रेडिट हो गया, ये दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे तो इसका 1%, इसका 1% वो आरबीआई से ले सकती है, यानी कि 200 का 1% 2 रुपया वो आरबीआई से एमएसएफ के रूप में ले सकती है। और आप यदि देखिएगा तो एमएसएफ भी लगातार 5-6 महीने में बढ़ा है। मई जून में जो या सितंबर का जो आया था मौद्रिक नीति, उसमें एमएसएफ जहां तक मुझे याद है 6.15% था, 6.15% एमएसएफ था। इससे ये समझना है कि यदि एमएसएफ भी अगर तेजी से बढ़ेगा, यानी लोन अगर कोई बैंक लेगी और लोन पे उसे इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, तो वो भी अपने कस्टमर को जब लोन देगी तो वो अधिक ब्याज दर पर लोन देगी। यानी जब जब बैंक को आरबीआई से लोन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो कस्टमर को नुकसान होगा, ये समझना है। और एमएसएफ का तेजी से बढ़ना बताता है कि महंगाई बढ़ रही है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एमएसएफ को या फिर रेपो रेट को बढ़ा के महंगाई को कम किया जा सके। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक तरीका है महंगाई को कम करने का, ये समझ लेना है। एमएसएफ का मतलब ये होता है कि एक बैंक आपातकालीन स्थिति में ओवरनाइट आरबीआई से लोन लेती है, ओवरनाइट आरबीआई से लोन लेती है। कंडीशन होता है जब उनकी लिक्विडिटी बहुत हद तक कम हो जाती है, सूख जाती है। दो, तरीका क्या है एमएसएफ का, तरीका है कि आप एक बैंक का जितना लोन, जितना जमा है, यानी कि मान लीजिए 100 रुपया जमा है और जितना उधार है, यानी कि वो जो आरबीआई से अन्य क्षेत्रों से जो लोन ली है, दोनों को जब हम लोग जोड़ देंगे उसका 1% एमएसएफ आरबीआई से कोई भी शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक मतलब अनुसूचित बैंक, जो भी भारत में बैंक काम कर रही है सभी को शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, वो एमएसएफ पे लोन ले सकती है। यानी जितना फंड है उसके पास, जितना फंड जमा है, जितना फंड वो किसी को दी है, उसको दोनों को जोड़ देंगे उसका 1% वो एमएसएफ ले सकती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट के अलावा जितने भी टूल्स हैं आरबीआई के, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका दो ही कारण है, महंगाई का बहुत तेजी से बढ़ना और दूसरा इसका प्रभाव हुआ है कि महंगाई को कम करने के लिए इन सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एमएसएफ देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में एक है बैंक रेट, इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग भारत में अब नहीं होता, ये आउटडेटेड है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है। आपसे CRR के विषय में पूछा जाएगा कि CRR क्या है,
एक शब्द छूट गया, नकद आरक्षित अनुपात इसे बोलते हैं CRR को, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो CRR को बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, एक यानी नगद आरक्षित अनुपात। ये नगद आरक्षित अनुपात है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ कि शेड्यूल्ड बैंक्स को एक निश्चित राशि RBI में जमा रखनी होती है। एक चीज, बाजार के तरलता को नियंत्रित रखने हेतु इसकी ज़रूरत होती है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो जो है, पहले तो आप देखिए कि ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल सितंबर का यदि आप डेटा देखिएगा तो 4.5, पहले 4% रहता था, अभी 4.50% CRR है। यानी कि अगर कोई एक बैंक है और उसके पास जमा राशि 100 रुपया है, पिछले बार हम लोगों ने देखा था MSF में कि जमा राशि और उधारी राशि दोनों के बारे में हम लोगों ने बात किया, लेकिन इस बार सिर्फ जमा राशि को देखना है। अगर किसी बैंक के पास 100 रुपया जमा है तो इस 100 रुपया का 4.5% यानी 4.5% जो अभी का डेटा है, 4.5% उसे हर हाल में RBI को जमा रखना पड़ेगा, एक प्रकार गिरवी रखना पड़ेगा, तभी वो बैंकिंग टर्म्स को चला सकती है। तो CRR 4.50% है, 4.50%। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जो CRR है, CRR के तहत जो 4.5% या 4% जो बैंक RBI को पैसा दे देती है, उस पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, RBI इंटरेस्ट देती नहीं है, ठीक है। ये जो रेट ऑफ, ये जो परसेंटेज है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ब्याज नहीं है, ये एक परसेंट है। इतना परसेंट पैसा किसी भी बैंक को भारत में काम करने के लिए RBI को देना होगा, वहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है, एक रूल है। तो 4.5% बैंक पैसा रखेगी ही रखेगी RBI में, और इस पे किसी प्रकार का ब्याज बैंक को नहीं देती है RBI। तो कैश रिजर्व रेशियो यही है कि आपका जितना जमा है, जितना आपके पास डिपॉजिट है, उस डिपॉजिट का 4% या 4.5% जो भी उस समय तय किया गया है, उतना पैसा आपको RBI में रखना होगा। उस पे आपको 0% ब्याज मिलेगा, तब आप बैंकिंग कर सकते हैं। अब बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो धीरे धीरे CRR बढ़ाया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, तो उसके लिक्विडिटी को, उसके तरलता को कम करने के लिए ये CRR बढ़ाया गया है, और आने वाले समय में CRR को और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब है SLR, इसे कहते हैं इंग्लिश में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। स्टैट्यूटरी को कभी लोग वैधानिक भी बोलते हैं, कुछ कानूनी भी बोलते हैं, तो सांविधिक तरलता अनुपात यहाँ पे है कि बैंकों को अपने कुल जमा का एक निर्धारित प्रतिशत स्वयं के पास रखना पड़ता है। ये CRR और SLR लगभग एक बराबर है, थोड़ा सा बस अंतर है। CRR में जहाँ आपके पास एक निर्धारित पैसा RBI के पास जमा करना है, वहीं SLR में आपके पास एक निश्चित प्रतिशत स्वयं के पास रखना है, ये समझ लेना है हम लोग को। और पिछले 3-4 अप्रैल में जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसमें भी 18% था, मई में भी 18 रहा, जून में भी 18 रहा, अगस्त में भी 18 रहा है, सितंबर में भी 18 रहा है, तो लगभग 18% SLR है, लगभग 18% SLR है। यानी कि जितना पैसा बैंक के पास होता है उतने उसके, मान लीजिए कि पैसा यदि सौ रुपया है तो 100 रुपया का 18 रुपया बैंक को अपने पास जमा करके रखना है, और अपने पास वो जब जमा करके रखेगी उसके बाद वो बैंकिंग करेगी। यानी कि यहाँ पे 18% और यहाँ पे 4.5%, यानी लगभग 22.5% पैसा
बैंक को जमा करके रखना पड़ता है, इतना पैसा वो पहले से रख लेगी तभी बैंकिंग करेगी, यानी कि 100 रुपया में लगभग 22.5 रुपया बैंक का फंस जाता है कहीं ना कहीं। तो 18% अपने पास रखेगी, उसके बाद 4-4.5% RBI के पास रखेगी। अगर SLR बढ़ेगा तो अधिक पैसा बैंक को अपने पास जमा करना पड़ेगा, और अधिक पैसा जब जमा रखना पड़ेगा अपने पास तो बड़े मात्रा में वो लोन नहीं देगी। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि CRR बढ़ता है या SLR बढ़ता है, इसका इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो बैंकिंग की जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, जो पैसा है, वो धीरे धीरे कम होगा, और जब धीरे धीरे कम होगा तो वो बड़े मात्रा में लोन नहीं दे पाएगी, और जब बड़े मात्रा पे लोन नहीं देगी तो महंगाई धीरे धीरे कम होगा। तो ये एक पूरा फंडामेंटल बातें हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ की। हम लोगों ने बैंक रेपो रेट देख लिया है, रिवर्स रेपो रेट देखा, SDF देखा, MSF देखा, CRR देखा और SLR देखा। ये 6-7 चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। इसके अलावा एक बैंक रेट होता है, बैंक में जब हम लोग जाते हैं कि फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर आप रेकरिंग डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या लोन आप होम लोन ले रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सभी चीज़ें PCS या जनरल कॉम्पिटिशन में नहीं पूछी जाती है, ये तब पूछी जाएगी जब आप बैंक का एग्जाम दीजिएगा। तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी, और ये 6-7 इसके टूल्स हैं, तरीके हैं मौद्रिक नीति का उद्देश्य है महंगाई को नियंत्रित करना, बहुत अधिक महंगाई है तो उसको कम करना, बहुत कम महंगाई भी है तो उसको एक लेवल पे लाना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का मूल उद्देश्य है। यहाँ पे ये ध्यान हमें रखना है, बेसिक चीज़ें एकदम ध्यान में रखनी है कि RBI जिस तरह से व्यवहार बैंक से करेगा उसी तरह का व्यवहार बैंक अपने कस्टमर से करेगी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जिस तरह से चेंज होती है उस तरह से कस्टमर पे प्रभाव पड़ता है। और ये एक ये भी समझना है कि बहुत बड़े मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत बड़े मात्रा में प्रभाव तब पड़ता है जब वित्त मंत्रालय बजट में कुछ आमूल चूल बदलाव कर देती है, या वहाँ जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें जब बदलाव करती है तब आम आदमी को बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए कभी कभी एग्जाम में, खासकर मेंस में पूछा जाता है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग अगले वीडियो में कभी देखेंगे। तो बस बेसिक चीज़ें एक समझनी है कि RBI जिस तरह से व्यवहार बैंक से करेगा, बैंक वैसा ही व्यवहार अपने कस्टमर से करेगी। एक देश को मार्केट समझना है जब हम लोग इकोनॉमी समझेंगे, और मार्केट में केवल इम्पोर्टेंस पैसे का होता है, पैसे का होता है, सभी चीज़ पैसे पे निर्भर करता है, और हर इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो, या कस्टमर हो, या इवन गवर्नमेंट हो, वो लाभ कमाने के लिए काम करती है एक अर्थव्यवस्था में। जब भी लोन देने का तरीका महंगा हुआ है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा होगा, जैसे कि रेपो रेट, ये क्या है, ये है अगर बैंक लोन लेगी तो रेपो रेट के आधार पे उसे लोन दिया जाएगा, यानी कि रेपो रेट हुआ या CRR हुआ या SLR हुआ, ये सभी चीजें अगर बढ़ेगी, यानी कि इसका प्रतिशत बढ़ेगा CRR का या SLR का या रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कस्टमर को नुकसान होगा, कस्टमर को लोन आसानी से मिलेगा नहीं, और ये ध्यान में रखना है। और रेपो रेट CRR SLR यदि कम रहेगा तो कस्टमर को फायदा होगा, विशेष रूप से लोन लेने में फायदा होगा। ये फिर देख लेना है कि जो भी लोन लेने का तरीका है या पैसा को जमा रखने का है, अगर CRR जो पैसा जमा करता है, SLR जो पैसा जमा करने का चीज़ है, या फिर रेपो रेट जो जहाँ पे लोन लिया जाता है, अगर
इसका प्रतिशत या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, इसलिए इनका प्रतिशत को बढ़ाया जा रहा है ताकि आपके पास पैसा कम हो, और जब पैसा कम रहेगा तो आप खर्च नहीं करिएगा, खर्च नहीं होगा तो महंगाई धीरे धीरे नियंत्रित होगी। तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में स्ट्रेट अवे नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है कि CRR का प्रभाव एक कस्टमर पे क्या पड़ेगा और CRR का प्रभाव एक बैंक पे क्या पड़ता है। यही समझना है, बेसिक यही समझ लेना है कि जैसा व्यवहार RBI बैंक से करेगी वैसा ही व्यवहार बैंक हम लोग से यानी कि कस्टमर से करेगा। अगर बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो हम लोगों को भी लोन महंगा मिलेगा। यदि बैंक को जमा पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलेगा यानी कि रिवर्स रेपो रेट जो एक तरीका होता है जमा पे ब्याज कमाने का, यानी कि रिवर्स रेपो रेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बेहतर होगा तो हम लोग के भी डिपॉजिट पे हम लोग को बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वो कम होगा तो हम लोग का भी जमा पे ब्याज हम लोग को कम मिलेगा। बस इतना ही दो तीन बेसिक चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो खत्म होता है, फिर हम लोग अभी एडवांस लेवल पे भी इसे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।